कल दानियाल और हुस्ना का निकाह भी कर देना चाहिए। क्यों? क्यों का मतलब आप जानते हैं अब्बा जी, दानियाल भी चाहता है और मुझे भी सुरैया की खुशी की जमानत मिल जाएगी। फिरदौस ने हुस्ना की बहुत अच्छी तरबियत की है, बहुत प्यारी बच्ची है। सुरैया के बारे में भी मेरा पहले यही ख्याल था, लेकिन उसने, खैर, कल ये बात करना मुनासिब नहीं होगी। हामिद और सुरैया का निकाह हो जाए तो बाद में देखेंगे क्या करना है। मगर अब्बा जी, अगर मगर कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कहेंगे? मैं क्या कहूं, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सुरैया ऐसा करेगी। कड़ी नजर रखी होती तो कभी ऐसा ना होता। ये सब तुम्हारी डील करने दी जाए। कल मेहमान आएंगे, उनके खाने का मुनासिब इंतजाम कर लेना, बाकी बातें बाद में करनी चाहिए। जी अब्बा जी। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस आपा। वालेकुम सलाम इकबाल, कैसे हो तुम? बस मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कुछ देर पहले तक तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब जब से ये बम फोड़ा है ना अब्बा जी ने हमारे सरों पर, मैं ठीक नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी। क्यों, क्या हुआ? मुदस्सर से कहा है कल हामिद और सुरैया का निकाह है। अरे भाई, इतनी जल्दी अचानक ऐसे क्यों, क्या वजह? कोई ऐसी वजह नहीं है, वो कल अम्मा जान ख्वाब में आ गई थी, पता है आपको वो वहम करने लगते हैं। ऐसा भी क्या वहम? मुदस्सर मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं, मुझे असल बात तो बताओ ताकि उनकी बातें सहने का हौसला तो हो उसमें। ऐसा क्या हो गया जो एकदम से अब्बा जी ने निकाह का हुक्म दे दिया? कुछ नहीं, वैसे बहन हूँ मैं तुम्हारी, कभी मेरा भी ख्याल कर लिया करो। हमेशा बशारत भाई और रजिया भाभी का साथ देती हो तुम, कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो। असल बात बताओ मुझे क्या है। कुछ नहीं, वो सब सुरैया की वजह से थोड़ा परेशान है। क्यों, क्या हुआ सुरैया को? वो शादी नहीं करना चाहती, उसने मना कर दिया। आपको पता है अब्बा को खसूसन बच्चों का या लड़कियों का मना करना, बहस करना बहुत बुरा लगता है, गुस्से में आकर उन्होंने। सुरैया की इतनी हिम्मत कि अब्बा जी के आगे बोल पड़ी, शादी से साफ इनकार कर दिया। तोपा तोपा, ये अमेरिकन भाभी ने अपना रंग चढ़ाया है जरूर। अच्छी है, बेवकूफ है। बात करो। इतनी भी क्या बेवकूफ होगी, शादी की उम्र है उसकी। अच्छा सच्ची सच्ची बताओ मुझे क्या बात है। पापा किसी को बताइएगा नहीं, सुरैया किसी और को पसंद करती है।